सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। आज का पंचांग 24 अगस्त 2020, दिन सोमवार, भाद्र पद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 2:31 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र दोपहर 3:20 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:44 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आश्चर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मेष राशि 24 अगस्त 2020, दिन सोमवार, जो आपके ऊपर निर्भर है जैसे बच्चे या पालतू जानवर, उनका ध्यान रखें। जुए और कर्जे से बचें, ये चिंताएं आपको परेशान कर सकती है। रिश्तेदारों के साथ समय बिताएं, काम में आपका अधिक समय व्यतीत होगा, किंतु अपनी मेहनत से आप जल्द ही प्रतिस्पर्धा से बाहर निकल जाएंगी। एक सफल व्यवसाय का आपका सपना पूरा होने वाला है। खुद पर विश्वास रखें और बड़ा सोचें, क्योंकि आपके विचारों का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गलतफहमियों को दूर करने के लिए प्रियजनों से बातचीत करें। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे कुछ नहीं बदल सकते। आज किसी फोन कॉल द्वारा आपको महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक साबित होगी। कलात्मक क्रियाओं में भी आपकी रुचि रहेगी। आज के दिन आपके लिए मिला जुला असर देने वाला रहेगा। दिन की शुरुआत आज किसी नुकसान के साथ हो सकती है, लेकिन फिर भी लाभ वाली स्थिति बनेगी। आज धन संबंधित कोई बुरी खबर मिल सकती है, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है। सावधानी बरतें, आज किसी को उधार ना दें, और यदि कोई उधार लिया हुआ है तो उसे जल्द से जल्द उतारने का प्रयास करें। आज किसी प्रकार का दान अवश्य करें। सावधानियां, दूसरों के ऊपर विश्वास करने के बजाय अपनी अंतरात्मा के निर्णय को प्राथमिकता देना उचित रहेगा। साथ ही किसी दोस्त या रिश्तेदार का आपके साथ किए गए वादे या किसी बात से मुकरना आपके लिए तनावजनक रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन चिंता भरा रहेगा, जहां आपको अपने प्रयासों व मेहनत का मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन उदास ना हो और कोशिश जारी रखें। प्यार में आए बाधाओं का आप अपनी रचनात्मकता और सकारात्मकता से दूर कर लेंगे। विवाद या दुर्घटना की भी संभावना है। खास लोगों के साथ रहना और कार्यस्थल में विजय पाना आपका सपना है। चिंता ना करें, आप ईमानदार और दृढ़ हैं। आज अब जो भी सोचेंगे वो पूरा होगा। यही नहीं, आपके खास लोग भी आपका साथ देंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। अपने जीवन का यह दौर आपको कुछ टचिंग अनुभव प्रदान करने वाला है, इसलिए तैयार रहें। करियर की बात करें तो व्यवसाय में लाभ बढ़ाने और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास करें। आज का दिन अपनी मेहनत के सही परिणाम पाने का है। कौशल प्रशिक्षण भी आपकी कुशलता में विस्तार कर सकता है।
पालतू जानवर और किरायेदारों की परेशानियों के साथ साथ खुद की समस्याओं पर भी ध्यान दें। जब कुछ पाने की इच्छा सच्ची और दृढ़ होती है तो पूरा ब्रह्मांड उस चीज को आप तक पहुंचाने में सहायता करता है। खुद पर विश्वास करें और महत्वाकांक्षाओं को उच्च रखें, क्योंकि आपके विचारों का आपके प्रयासों पर भी प्रभाव पड़ता है। सेहत की बात करें तो आज तनाव कम होने के कारण आप अच्छा महसूस करेंगे। आप स्वास्थ्य की तरफ सकारात्मक व्यवहार रखते हैं और आपकी जीवन शैली भी ठीक रहेगी। कुल मिलाकर आप अच्छा महसूस करेंगे। आप जिम जाना शुरू करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।